May I come in, ma'am? Okay. Good morning, ma'am. May I have a seat? Yeah, sure. थैंक यू मैम. टेल योर पर्पस मैम. मेरे सन का इंटरव्यू था और मैम की मदर हूँ. मुझे डायरेक्टर सर से मिलना था और आज मेरा इंटरव्यू है. सो मैम, आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को बुलाया था? श्योर मैम, बट एक्चुअली उनको ऑफिशियल वर्क हो गया था. ओके मैम, आज हम आपका इंटरव्यू लेते हैं और मैं भी आपके इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करूंगी. यस श्योर मैम, प्लीज वेट फॉर 10 मिनट्स. ओके मैम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, हैव योर सीट प्लीज. यस सर. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस. टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. दोस्तों, आज का जो सेशन है वो पेरेंट्स इंटरव्यू पर है, जो कि एडमिशन के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए जब पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड आज जितने भी क्वेश्चंस हैं हम पूछ रहे हैं. होप आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा उन पेरेंट्स के लिए जो स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए. तो मुझे उम्मीद है आज के सेशन के थ्रू आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं. अदर देन दैट, आप हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड से इंजॉय कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी बॉडी लैंग्वेज सेशन देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं आपको. गुड मॉर्निंग सर. ओके, हियर वी हैव मुक्ता, शी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू सेशन. ओके, योर नेम प्लीज. अनु. अनु, ओके. अनु, व्हाट इज योर एजुकेशन? सर, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन से हूं, लेक्चरर हूं कॉलेज के अंदर. ओके, आप कॉलेज में लेक्चरर हैं? यस सर. तो मैडम, आपके कॉलेज में आवर्स कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी रहती है? सर, मेरी सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक. ओके, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में? सर, पहले तो जॉइंट फैमिली में थे, तो फिर जॉब के कारण आना पड़ा सिटी के अंदर. ओके, तो फिर अब मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी रहते हैं. ओके, आपके हस्बैंड और आप दोनों वर्क करते हैं? यस सर. ओके, तो फिर आप केयर टेक, बच्चे की केयर कैसे करते हैं? सर, मैंने मेट रख रखी थी पहले तो, फिर अब थोड़ा बच्चा भी बड़ा हो गया, फिर थोड़ी आपको पता है कोरोना के कारण घर पे रह रहे थे. ओके, तो फिर अब तो सोचा कि स्कूल में लगाना, एडमिशन वगैरह करवा के हैं, तो फिर आपका स्कूल अच्छा लगा. ओके, आपको हमारा स्कूल क्यों पसंद है? सर, मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी कजन सिस्टर में है, उनका बेबी भी आपके स्कूल में स्टडी करता है. ओके, तो उन्होंने क्या हमारे स्कूल के बारे में क्या आपको रिपोर्ट दी, पॉजिटिव रिपोर्ट? सर, जैसे स्टडी के अंदर अच्छा है स्कूल और बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, और जैसे प्ले वगैरह स्टडी टाइम टू टाइम करवाते हैं, वर्क हैंडल टाइम टू टाइम करवाते हैं, और जैसे गेम्स वगैरह वो हर जगह अच्छा है. okay. सब नॉलेज के अकॉर्डिंग है, जैसे बच्चा जो उसी क्लास में है उसी क्लास के अकॉर्डिंग सब सब्जेक्टिव है, सब मतलब इतना बर्डन नहीं है बच्चे के ऊपर. बैकग्राउंड बहुत अच्छा है. वेरी नाइस. तो मैं चाहूंगा मुक्ता भी आपसे क्वेश्चंस कुछ पुट अप करे. यस सर. तो मुक्ता, प्लीज हैव योर क्वेश्चंस. श्योर सर. सो अनु, टेल मी अबाउट योर हॉबीज. मैम, मेरी हॉबीज तो देखो टीचिंग की थी, ठीक okay. है. मैं स्कूल में चाहती थी कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की अच्छी लेक्चरर बनूं. सो okay, मेरा ड्रीम था वो कंप्लीट हुआ. okay. और वैसे घूमना फिरना है. ओके, वेरी नाइस. आपका जो घर है, होम है, वो स्कूल से कितने किलोमीटर पर? सर, 1 किलोमीटर दूरी में. बहुत पास में. हाँ जी सर. ओके, क्या आप अपने स्टूडेंट, अपने किड को, अपने वार्ड को खुद पढ़ाते हैं? नहीं सर, पहले तो ट्यूशन्स थी और अब थोड़ा फोकस, जैसे मैं घर पे आ जाती हूँ जल्दी, तो अब तो फिलहाल मैं खुद ही फोकस दे रही हूँ मेरे बेबी पे. ओके, आपके चाइल्ड के नेचर के बारे में कुछ हमें बताएंगे? सर, नेचर तो देखो, अब जैसे जैसे हम फोकस देखते हैं उसका नेचर, वैसे तो फनी है. जैसे न्यू फ्रेंड्स बनाना, मतलब क्लोजली जैसा कोई पर्सन मिला उसको जल्दी से न्यू फ्रेंड बना लेते हैं. ओके, वह अच्छा नेचर है. इसके अलावा वो जिस तरीके से जैसे नए लोगों से मिलता है, हाँ, तो इंटरेक्शन कर लेता है या थोड़ा शाई नेचर का? सर, थोड़ा शाई नेचर का भी, जैसे उनको लगता है कि अपने अकॉर्डिंग है तो अच्छे से फ्रेंड बना लेता है. ओके, आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं अपने किड के अंदर विद इन अ ईयर? मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरा बेबी है वो आने वाला, आपको पता ही है कैसा प्रिपरेशन चल रही है ना, वो सबसे फ्रेंड सर्कल में रहे और बोलने का सेंस आना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस रहना चाहिए, और पेरेंट्स से कैसे बिहेव करते हैं वैसा होना चाहिए. मींस डिसिप्लिन एक्टिविटीज. हाँ जी सर. क्या आपने अपने बेटे की कभी पिटाई की है, और क्यों की, और क्या पर्पस पे, अगर की है तो? यस सर, एक बार ही करी थी. अच्छा, आपने लाइफ में ही एक बार अपने बेटे की पिटाई? हाँ जी सर. वैसे तो बुरी बात है भी पिटाई करना, पर एक बार आपने की है? सर, वो एक्चुअली किचन में चाय बना रही थी. ओके, और मेरे जो बेबी है उन्होंने मुझे आके पुश करा, और मेरे को लगा कि चाय उसके ऊपर डूल ना जाए, और मैं डर, वो लकी था जो उसके ऊपर डूली नहीं, और फिर मैं
घबराई हुई खुद थी, फिर स्लैप लगा दी थी मैंने। ओके, मींस कभी ऐसा मेजर मिस्टेक नहीं करी हो तो ठीक है, बच्चा है, ठीक है, आपको गलती से उसे उसको मालूम नहीं था कि चाय गर्म है। हाँ जी, हाँ जी। आपके जो बेबी है वो डिसिप्लिन में रहता है अभी इस समय? यस सर। ओके, ट्यूशन टीचर है उसकी कोई? नो सर, अभी नहीं है। अभी स्कूल खुलेंगे तो मैंने सोचा एडमिशन करवा के आऊँ, फिर उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, श्योर हो जाएगा। अपने बेबी के ईटिंग हैबिट्स के बारे में कुछ हमें बता सकते हैं आप? ईटिंग हैबिट के बारे में? yes, सर वो थोड़ा मतलब खाना वगैरह कम ही खाता है, फास्ट फूड पे ज़्यादा फोकस है। तो सर आप जैसे लंच टाइम होता है तो मैडम तो होती है ना, yes, तो आप उन पे थोड़ा फोकस वगैरह भी करवाना। ओके okay. सर वो खाना अच्छे से फिनिश करके जाए, आपकी जो मैम होंगे स्कूल क्लास टीचर उनको थोड़ा बोलना कि फोकस रखे उसके ऊपर। बिल्कुल, वो फोकस रखते हैं। और इवन जो बच्चे स्कूल के अंदर जब खाना खा रहे हैं, खासकर के रिसेस टाइमिंग में, क्योंकि टिफिन्स वगैरह होते हैं, तो टीचर इस बात का भी फोकस रखते हैं कि वो कहीं झगड़े ना, कुछ चोट भी ना लग जाए बच्चे के। चलिए मुक्ता, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम हर? जी सर, सो टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट? मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत है, मैं पंचर हूँ और मैं अपना ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, और मेरे में कॉन्फिडेंस भी बहुत है, और मैं जो चीज़ चाहती हूँ मैं वो करके दिखाती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसी मदर है तो ऑब्वियस है कि आपका जो सन है वो बहुत आगे जाकर खूब अच्छे बढ़े। आप बनाना चाहते हैं अपने बेबी को कुछ स्पेशल, कोई पोस्ट तक देखना चाहते? देखो सर, मेरा सपना तो यही है कि मैं उसको आइस करवाऊँ और बाहर भेजूँ, बट बाकी आपको खुद को पता है कि खुद बच्चों के खुद के भी ड्रीम्स होते हैं, जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता जाता है उनके खुद के भी ड्रीम्स होते हैं ना। बाकी मुझे इतना श्योरनेस है कि मेरा चाइल्ड जैसे मैं चाहूँगी वो वैसा ही करेगा। ओके, मैं सर मैं उसे पायलट बनाना चाहती हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, बहुत बड़ा ड्रीम है आपका, वेरी गुड। इज योर चाइल्ड अपडेट ऑन वैक्सीनेशन आल्सो? यस सर। ओके, टाइम टू टाइम सर इसका वैक्सीनेशन रेगुलर टाइम टू टाइम हो रहा है, इसका कार्ड बना हुआ है। ओके, आपका जो किड है वो झगड़ता किस तरीके से, क्या वो बच्चों के साथ ज़्यादा झगड़ता है या वो झगड़ने पे विश्वास नहीं करता? सर वो झगड़ने पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, जैसे अपने ज़्यादा करते वो नहीं झगड़ाई लड़ाई झगड़े में नहीं रहता है। okay. सबसे फनी ही बात करता है, उसका नेचर बहुत नाइस है। ओके सर, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं अपने बेबी को साथ में लाऊँगी। दैट्स गुड। हाउ इज योर मैरिड लाइफ, होम लाइफ? सर गुड लाइफ। ओके, मींस यू ऑल आर सैटिस्फाइड विद ईच अदर? सर जो मेरे हस्बैंड हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और मेरे सन को लेकर भी बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि देखिए चाइल्ड के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि वो अकेला रहना पसंद करता है, और कई बच्चे होते हैं हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो आपका जो बेबी है वो किस तरीके के नेचर का है? सर वो सबके साथ रहना पसंद करता है। ओके, आपने बताया आप इस समय न्यूक्लियर फैमिली में है, तो ऑब्वियस है कि उसको अकेलेपन ज़्यादा पसंद होगा, ऐसा नहीं है? नहीं सर। ओके, मीन्स वो सबके साथ घुल मिल जाता है जल्दी? यस सर। ओके, आप जानते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर कुछ रूल्स हैं, सिटिंग रूल्स वगैरह, जैसे कभी आपका बेबी को हम बिल्कुल आगे बिठाएंगे, कभी वो क्लास में बिल्कुल बीच में बैठेगा, कभी वो बिल्कुल लास्ट की सीट पे बैठेगा, मींस हमारे जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो चेंज होते हैं, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ओके, आई साइट आपके बेबी की प्रॉपर है? यस सर। मेडिकल चेकअप जब आपने करवाया होगा अपने बेबी का, या आप रेगुलर करवा रहे होंगे? हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम, कोई मेजर, कोई एलर्जी किसी चीज से? नो सर। ओके मैडम, इस इंटरव्यू के लिए हमने आपको और आपके हस्बैंड दोनों को इनवाइट किया था, मगर आप इस इंटरव्यू में अकेले आए हैं, ऐसा क्यों? सर उनका ऑफिशियल वर्क था, थोड़ा बर्डन ज़्यादा था तो वो आ नहीं पाए, वो बोल रहे थे नेक्स्ट टाइम जरूर जाऊँगा। ओके, चलिए हमने तो आपका इंटरव्यू ले लिया है, हम पूरे सर्टिफाइड है कि आपके बातों से कि बिल्कुल यू आर अ गुड, टेक केयर, यू विल डेफिनेटली केयर योर किड, और आप टाइम टू टाइम होमवर्क असाइनमेंट्स वगैरह जरूर करवाएंगे। यस सर। और अगर आपके हस्बैंड नहीं आ पाए दैट इज़ नो प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट टाइम उनको इन्वाइट जरूर कीजिएगा, और उनको बोलिएगा कि हम पर्सनली भी उनसे मिलना चाहेंगे, जब उनके पास टाइम हो वो स्कूल में आकर हमसे मिल सकते हैं। श्योर श्योर। मुक्ता, यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम हर? यस सर। ओके, सो अनु, टेल मी अबाउट योर वीकनेस। आई एम रिटर्ड टॉकेटिव गर्ल। ओके, यस, यानी कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो? यस मैम। ओके, मींस ऐसा तो नहीं है कहीं वो गुण बेबी में भी आया हो, वो भी बहुत ज्यादा बोलता हो? नो सर। ओके, आपने बताया वो एक शाई नेचर का है। यस सर। और मदर बोल रहे हैं कि आप ज्यादा टॉकेटिव है, ऐसा कैसे भाई? तो अगर आप टॉकेटिव है तो बेबी भी थोड़ा टॉकेटिव होना चाहिए। सर वो अपने पापा पे गया है। ओके, मींस आपके हस्बैंड थोड़े शाई नेचर? हाँ जी सर। दैट्स गुड। अच्छा मुझे बताइए कि आपने जिस तरीके से अपने स्कूल का सर्च किया, आपने बताया कि आपके रिलेटिव के सनी यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। तो आपको क्या लगता है कि
यदि हम आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते आपके बेबी को, उसको अच्छे से पढ़ाते, तो कल आपसे अगर कोई पेरेंट्स पूछेंगे हमारे स्कूल के बारे में तो आपके क्या विचार रहेंगे? सर मेरा तो ये विचार होगा कि उनका बेबी भी आपके स्कूल में पढ़े, क्योंकि फैसिलिटी अच्छी है तो मैं उनको लूज पॉइंट थोड़ी दूंगी। ओके सर, मुझे रिव्यू बहुत अच्छा लगा तभी मैं सोचा कि मैं इसी स्कूल में एडमिशन दूं। दैट्स गुड। और हम चाहते भी हैं कि हम आपके बेबी की पूरी केयर करें। बस एक बात मुझे आपसे कंफर्म करनी थी कि आपने बोला आप 3 o'clock फ्री होते हैं कॉलेज से। हाँ जी। और हमारा जो स्कूल है वो 2 o'clock फिनिश होता है। हाँ जी। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ टीचर्स और मेड्स रहती हैं, अगर आप चाहते हैं ये फैसिलिटी तो इसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज जरूर लगेगा कि 2 o'clock से 3 o'clock या 3 o'clock तो आप बोल रहे हैं आपका स्कूल, आपका कॉलेज ऑफ होता है। यस सर। तो ऑब्वियस है कि आपको 30-40 minutes तो लगेंगे यहाँ तक रीच होने में। यस सर। तो क्या आप चाहेंगे कि 2 hours अपने किड को यहीं रखना और वो मैडम वगैरह, टीचर्स वगैरह और मेड वगैरह वो मिलकर आपके बच्चे को होमवर्क वगैरह भी करवा देंगे? श्योर सर। ओके, यू वांट दिस फैसिलिटी? यस सर। दैट्स ग्रेट। ये फैसिलिटी हमारे स्कूल में अवेलेबल है और इवन इवनिंग तक कई बच्चे रहते हैं हमारे पास, क्योंकि बॉस से मदर और फादर वर्किंग होते हैं तो वो नहीं ले पाते अपने बच्चों को ऑन द छुट्टी पर, तो ये यही पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे को हम ही स्कूल में रख लेते हैं और होल डे हम अपने पास ही रखते हैं, तो उसमें असाइनमेंट वगैरह। सर गुड फैसिलिटी लगी मुझे ये वाली कि बच्चों को रखना बाहर में, और इवन अगर बच्चे को थोड़ी देर की नैप चाहिए तो उसको नैप की फैसिलिटीज भी होती है, तो हम वो चीज़ भी अवेलेबल करवाते हैं बच्चे को। ओके सर। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ कि yes, स्कूल में एक तो हमें पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है, तो हम चाहेंगे कि आपका बेबी कभी छुट्टी ना करे। मींस yes, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ऑफ कर रहा है या क्लास बंक कर रहा है, जिस तरीके से आपने बताया कि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है। yes, तो यदि आप कहीं आउटिंग करते हैं तो आप प्लीज़ अपनी आउटिंग वगैरह छुट्टियों में ही करें, ऐसा नहीं हो कि आप बीच में आउटिंग करें। नहीं सर, मैं खुद छुट्टियों में ही करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे भी क्लासेस वगैरह खराब, लेक्चरर खराब होते हैं ना। यस, आपके खुद के लेक्चरर खराब होते हैं। हाँ, कॉलेज में वैसे भी आपको पता बर्डन होता है, छुट्टी बहुत कम मिलती है। दैट्स गुड। तो ये भी हम चाहते हैं कि पंक्चुअलिटी बनी रहे। यस। और एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस बच्चे के पास होना चाहिए, हमने पूरा चार्ट दिया है। ऑफ कोर्स सर। यस। और उसके बैग नीट एंड क्लीन हो। यस। और बाकी फॉर्मेलिटीज मैं आपको रिटन पेपर पे दे दूंगा, तो उन चीजों पर आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए। यस सर। और आप ऑलरेडी एक लेक्चरर है तो आप जानते हैं कि एक अच्छे बच्चे को अगर इंटेलिजेंट वे में अगर हमें मोल्ड करना है तो हमें कुछ बातों का खुद पहले ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पेरेंट डिसिप्लिन में रहते हैं तो ऑब्वियसली कि बच्चा डिसिप्लिन में आई है। यस सर। राइट। उनका क्या लगता है कि रियल में लुकिंग टू दिस ग्रेट पर्सनालिटी कि इनका बेबी को हम नर्चर कर पाएंगे बहुत अच्छे से? यस सर, ऑफ कोर्स सर। ओके, वी आर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग हियर, वी आर थैंकफुल टू यू। आप आए यहाँ, थैंक यू।